देखिए मैं क्या बना रही, देखिए अब पालक हीमा आधी कटोरी तेल, 1/2 किलो हीमा, 1 टमाटा, पालक में टमाटा नहीं डालना बोलते, देखिए अदरक लहसुन 1 चम्मच, हरी मिर्ची कम डाल रही मैं, 1 चम्मच मिर्ची, तो 2 चम्मच मिर्ची, नमक 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच। अब इसको अच्छा सा करके थोड़ा सा मिला लेंगे। कल का जो तहारी का डिश है ना, सॉरी थोड़ा सा डिलेट हो गया, वो मैं अदहन डाल रही थी, थोड़ा सा चावल डाल रही, सो नहीं बताई, सॉरी मैं कुछ भी मत समझिए, वो ज़रा डिलेट होगा। इसको अब क्या करना होता, थोड़ा सा गला लेना, आधी प्याली तेल, क्या पका रही बोले तो बहुत अच्छी चीज है, देखिए हेल्थ के लिए। मेथी है, गोभी का फूल, इसको मोथिया बोलते हैं बहुत अच्छा रहता गोभी का फूल, गोश्त, एक टमाटा, प्याज दारी आधी कटोरी तेल, देखो गोश्त, गोभी का फूल का हंडी है ये, वो पालक की हंडी अलग है, इधर गल रही है, इधर गल रही है, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन, 1 चम्मच मिर्ची, गोभी का फूल है ये, मोतिया मोतिया बना रही, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, देखिए इसको अच्छा सा हला लेके, थोड़ा सा गल गया था से, वो गोभी का फूल डालना रहता है। बहुत अच्छी रहती गोभी, हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है। मेथी की भाजी है और पालक है, और ये कीमा में गल गया, अभी थोड़ा सा गलना है, थोड़ा सा इसमें दम हो जाता, ये बोले तो ज़्यादा भी गला दिए तो पानी के, पालक के पानी में और गल जाता कीमा, इसको क्या करना बोले तो ऐसे थोड़ा सा लगा देना, गल गया, गोभी का फूल, मोटे का फूल बोली, देखें गोश्त गल गया, बकरी का गोश्त, इसके साथ दही अच्छी दिखती माशाल्लाह, ये 2 मिनट में दम हो जाता फूल, बताओ जरा खमीर आ गया, दम हो जाता 2 मिनट में, इसके साथ दही अच्छा दिखता, रोटी पर गल जाता, ज़्यादा नहीं गलाना इसको, चाहे रोटी के साथ खाओ, खाने के साथ खाओ, गोभी कीमा पालक की भाजी मेथी बन गया, निकाल दिया ऑलरेडी कटोरे में, तेल खमीर अच्छा, थोड़ा दम, मैं डिटेल बताई आपको पालक कीमा कैसा कैसा बनाना, बहुत अच्छा होता है, इसमें थोड़ा सा अपन लगा पाव भाजी का मसाला भी डाल लिए तो बहुत ठीक रहता, बटर भी डाले तो बहुत अच्छा रहता। देखो ये गोभी बकरी के गोश्त का, ये भी बकरी के गोश्त का है, देखो मोतिया का फूल बोलते हम लोग ज़्यादा, फिर भी गोभी का फूल बता रही है आप लोग को, गल गया गोश्त माशाल्लाह, इसके साथ दही अच्छा दिखता, मैं दही बगा रही, वाइट राइस, ठीक है, दुआ की गुजारिश, सब्सक्राइब करिए ज़रूर, फैलोइंग करिए, फैलो करिए, और जितने लोग कमेंट्स दे रहे बहुत बहुत शुक्रिया, देख रहे भी उन लोगों को शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों की उम्र में तरक्की करे, कमाई में बरकत दिए, दुआ की गुजारिश।